और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीजे में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत के दलबीर भंडारी लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बन गए हैं। दलबीर भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था, लेकिन आखिरी दौर में ब्रिटेन ने नाम वापस ले लिया। बल्कि यूं कहें कि ब्रिटेन को हार देखते हुए नाम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि शुरुआती 11 राउंड में दलबीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा की वोटिंग में ग्रीनवुड पर भारी बढ़त बनाए हुए थे। तो बड़ी बातें आपको बता दें इस मामले से जुड़ी हुई क्या है। दूसरी बार चुने गए हैं दलबीर भंडारी आईसीजे में जज के तौर पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल मिलाकर 183 वोट मिले हैं और साथ ही सुरक्षा परिषद के सभी 15 मत उन्हें हासिल हुए हैं। तो ब्रिटेन के ग्रीनवुड से ये मुकाबला था दलबीर भंडारी का। ग्रीनवुड को मात दी है। 1945 से पहली बार ब्रिटेन आईसीजे में नहीं हुआ है, इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और दलबीर भंडारी की इस जीत पर सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री, ने उन्हें बधाई दी है ट्वीट करके। सुषमा स्वराज ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। वंदे मातरम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की जीत हुई, जय हिंद। तो हर तरफ से बधाई जस्टिस दलबीर भंडारी को मिल रही है। और अपनी हार पर ब्रिटेन ने क्या कहा है, हमने निष्कर्ष निकाला कि बार बार वोटिंग से संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हम निराश हैं, लेकिन 6 मजबूत उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला था। आगे ब्रिटेन ने कहा, हम नहीं जीते लेकिन हमारे करीबी भारत की जीत से हम खुश हैं। हम संयुक्त राष्ट्र और दुनिया में हर जगह भारत को सहयोग करेंगे। तो यह सधी हुई प्रतिक्रिया ब्रिटेन की तरफ से आई है। तो ये आपने देखा आईसीजे में भारत की बड़ी जीत, ये कूटनीतिक जीत है भारत की, कूटनीतिक जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।